मूवी स्टार्ट होती है तो वेस्ट वर्जीनिया के एक टाउन फेयर लेक को दिखाया जाता है, जहां पर हेलोवीन के दिन लोग माउंटेन मैन म्यूजिक फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। इस न्यूज को कवर कर रही थी एक न्यूज रिपोर्टर कैलिन, और इस फेस्टिवल में लोग क्रीपी और स्ट्रेंज हिलविलीज बनकर घूम रहे होते हैं। न्यूज कवर कर लेने के बाद कैलिन ब्रेक लेकर जॉगिंग पर चली जाती है, और जॉगिंग करते करते उसे पता नहीं चलता कि वो जंगल में चली गई है, और तभी उसके सामने सौतूत आ जाता है। उसे देखकर वो हंसने लग जाती है, क्योंकि उस फेस्टिवल की वजह से हर कोई उसी गेटअप में फिर रहा था, लेकिन वो इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती, उसे इग्नोर करके आगे बढ़ जाती है। कुछ दूर जाने के बाद उसे वन आई मिलता है, और उसे भी वो ब्लैक कॉस्ट्यूम कहकर आगे बढ़ जाती है, और अब उसके सामने आ जाता है थ्री फिंगर, और जाहिर है थ्री फिंगर सबसे ज्यादा खतरनाक है, तो इस वजह से वो उसे आगे बढ़ने ही नहीं देता। कैलिन फिंगर उसे दिखाती है, वो उसे काट देता है। कैलिन किसी तरह अपनी जान बचाकर वहाँ से भागती है, और तभी उसके सामने एक आदमी आ जाता है जो कि उसकी हेल्प करता है, और वो आदमी कोई और नहीं बल्कि मेनार्ड था। वो उसकी हेल्प करने का ड्रामा क्रिएट करके खुद ही उसे मार देता, और यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो तीनों भाई उसी के लिए काम कर रहे होते हैं, और वो तीनों भाई पिछले पार्ट में उस सैनिटोरियम से निकल फाइनली मेनार्ड को मिल ही गए, और अब वो उसी के साथ रहते हैं, उसी के लिए काम करते, क्योंकि वो भी इन जैसा ही है, एक सीरियल किलर है और मारने के बाद लोगों को खा जाता है। इसके बाद वो एज यूजुअल जो उनकी हैबिट है वो ही करते हैं, यानी वो कैलिन की बॉडी को अपने केबिन में ले जाकर काटना शुरू कर देते, और वहीं पर मेनार्ड उन्हें डांटता है, उन पर गुस्से होता है क्योंकि वो सबूतों को ठिकाने नहीं लगाते थे, और वो तीनों उससे डर कर रहते। इसके बाद हमें पांच कॉलेज फ्रेंड्स दिखाए जाते हैं, और वो भी उसी माउंटेन मैन म्यूजिक फेस्टिवल में जा रहे होते हैं, और रास्ते में जानबूझकर मेनार्ड उनकी कार के सामने आ जाता है, और उसको बचाने की वजह से उनकी गाड़ी क्रैश हो जाती है और एक ट्री में जाकर लग जाती है, और मेनार्ड उन्हें ऐसे शो करवाता है कि जैसे वो उनकी गाड़ी से टकरा गया। लेकिन उन फ्रेंड्स में बिली जो कि कार ड्राइव कर रहा था, उसे पूरा यकीन था कि कार ने उसे टच भी नहीं किया, और जैसे ही बिली उसे चेक करने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है, वो उस पर चाकू से अटैक कर देता है, जिस पर वो तीनों फ्रेंड्स मिलकर उसे पीटना शुरू कर देते हैं, और ये सब कुछ वो तीनों भाई भी देख रहे होते हैं। अभी ही लीगर्स ब्रदर उन पर अटैक करने ही वाले होते हैं कि पुलिस ऑफिसर्स शेरिफ एंजेला और डिप्यूटी बिग्स वहाँ पर आ जाते हैं। एंजेला उन सबको अरेस्ट करके अपने साथ ले जाती है, और ड्यूटी बिग्स को टो ट्रक आने तक वहीं रुकने का कहती है, और उन लोगों के जाते ही वो तीनों डेप्यूटी पर अटैक कर देते हैं और उसे जान से मार डालते हैं। और दूसरी तरफ बिली जो सारा ब्लेम खुद पर रखकर अपने दोस्तों को आजाद करवा देता है, फिर वो सारे दोस्त एक होटल में रूम ले लेते हैं, और इन्वेस्टिगेशन के दौरान एंजेला को ये पता चलता है कि मेनार्ड एक वांटेड क्रिमिनल है, जिस पर वो हाईएस्ट अथॉरिटी को इन्फॉर्म कर देती है, जिस पर वो लोग सुबह वहाँ आकर उसे ले जाने का कहते हैं, जिस पर मेनार्ड उसे कहता है कि वो सुबह तक जिंदा बचेगी ही नहीं। टाउन के सब लोग उस फेस्टिवल में जा चुके थे और पूरा टाउन खाली हो चुका था, क्योंकि वो फेस्टिवल टाउन के बाहर हो रहा था। वो तीनों भाई अपने ट्रक की मदद से फोन टावर को ही गिरा देते हैं, और ऐसा होते ही सबके मोबाइल के सिग्नल्स चले जाते हैं। इसके बाद वो लोग पावर प्लांट में जाते हैं और वहाँ पर पावर कट करने की कोशिश करते हैं। सिक्योरिटी गार्ड उन्हें देख लेता है और वो उसे ही बिजली की तारों में फंसा कर बुरी तरह मार डालते हैं, जिससे कि उनका मोटिव पूरा हो जाता है, यानी पावर भी कट जाती है। एंजेला बाकी पुलिस ऑफिसर से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन सब फेस्टिवल में बिजी थे। बिली की फ्रेंड क्रूज उसे खाना देने के लिए निकलती है, लेकिन थ्री फिंगर बुरी तरह उसके पीछे पड़ जाता है। वो अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन आखिर में थ्री फिंगर उसे पकड़ के मार डालता है। और दूसरी तरफ उन फ्रेंड्स में जूलियन जा रहा होता है और वो भी निकल पड़ता है। रास्ते में थ्री फिंगर क्रूज को काट रहा होता है, लेकिन जूलियन की नजर उस पर नहीं पड़ती और वो बिल्कुल सीधा निकल जाता है। जूलियन पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है और वहां पर बिली उससे क्रूज के बारे में ही पूछता है, जिस पर जूलियन बताता है कि वो तो उसके यहां पर आने से पहले ही निकल चुकी थी। पीछे से लीटा शावर लेने के लिए जाती है और तभी सौतूत उनके फ्रेंड गस को पकड़ के भी ले जाता है। आवाज सुनकर लीटा बाहर आती है और वन आई उस पर भी अटैक कर देता है। किसी तरह बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर वो वहाँ से भाग जाती है। पुलिस स्टेशन के दरवाजे पर कोई नॉक करता है और बिली समझता है कि शायद ये क्रूज होगी। तब एंजेला चेक करती है
तो वहाँ पर उसका हस्बैंड होता है जो उसके लिए खाना लेकर आया होता है। वो उसे खाना देकर वहाँ से चला जाता है। वो तीनों भाई गस को बांध कर हथौड़े से उसके पाँव पर मार मार कर उसकी टांगे पूरी तरह से तोड़ देते हैं। इसके बाद वो उसे ले जाकर पुलिस स्टेशन के बाहर फेंक देते हैं। वो मदद के लिए काफी चिल्लाता है और बिली और जूलियन उसे फौरन पहचान लेते हैं। एंजेला उसकी हेल्प करने के लिए बाहर जाती है और वो तीनों उसके ऊपर ट्रक चढ़ाकर उसे बुरी तरह कुचल देते और एंजेला कुछ भी नहीं कर पाती। और इसके बाद वो उसकी बॉडी रोड पर से हटाकर साइड पर रख देते हैं। एंजेला बिली जूलियन और एक और प्रिजनर को शॉटगन देकर उन्हें डिप्यूटी असाइन कर देती है। बिली जो कि क्रूज को ढूंढना चाहता था और एंजेला उसे साफ इनकार कर देती है और वो स्टेशन को गार्ड करने का कहती है। खुद वो करीब ही एक शॉप पर जाती है जहां पर रेडियो और जनरेटर था। बड़ी बहादुरी से वो वहां पहुंचकर जनरेटर को स्टार्ट करने की कोशिश करती है और वो किसी से कॉन्टेक्ट भी कर लेती है जिस पर वो बैकअप बुलाने का कहती है। लेकिन जिस लड़के से उसका कॉन्टेक्ट हुआ था वो सोचता है कि शायद ये कोई हेलोवीन प्रैंक है और वो उसे इतना सीरियस नहीं लेता। और इतनी ही देर में लेटा भी पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है और दरवाजे को नॉक करती है। वो प्रिजनर बगैर कुछ सोचे समझे गोली चला देता है और गोली की आवाज सुनकर एंजेला चेक करने जाती है और यहाँ पर गुड लक ये होता है कि लेटा को कोई भी चोट नहीं पहुंचती। और फिर बिली उससे क्रूज के बारे में पूछता है लेकिन वो भी क्रूज के बारे में कुछ नहीं जानती थी। और फिर बिली जूलियन के साथ क्रूज को ढूंढने जाता है और कुछ दूर चलने के बाद उन्हें क्रूज की बॉडी सड़क के बिल्कुल बीच में पड़ी हुई मिलती है। उसे मरा हुआ देखकर बिली अपने होश खो बैठता है और तभी वहां पर थ्री फिंगर भी आ जाता है। वो दोनों उसके पीछे भागने लग जाते हैं और उसके ट्रैप में फंस जाते हैं और पकड़े जाते हैं। और जब बिली को होश आता है तो वो देखता है कि वो फुटबॉल फील्ड में दबा हुआ है। उसका सिर्फ सर ही बाहर था और उसके पास ही जूलियन भी जमीन पर लेटा हुआ था और उसका पांव जंजीरों से बांधा गया था। अभी वो दोनों वहां से भागने का सोच ही रहे होते हैं कि थ्री फिंगर सामने से स्नो ब्लोअर लेकर उनकी तरफ बढ़ रहा होता है। बिली ये देखकर फौरन समझ जाता है कि उसकी डेथ कैसे होने वाली है। लेकिन थ्री फिंगर उसे सामने से नहीं मारता बल्कि वो स्नो ब्लोअर को पीछे की तरफ से लाकर उसका सर काट देता है। बिली को मारने के बाद वो जूलियन की तरफ बढ़ता है। जूलियन जो कि बंधा हुआ था और वो भी भाग नहीं सकता था और देखते ही देखते थ्री फिंगर उसे भी मार देता है। काफी टाइम गुजर जाने के बाद भी जब बिली और जूलियन वापस नहीं आते तब एंजेला उस प्रिजनर मॉस को फेस्टिवल में जाकर मदद लाने के लिए कहती है। एंजेला उसे अपनी कार में बिठा देती है और वो वहां से चल पड़ता है। वो मेन रोड तक पहुंच जाता है लेकिन जल्दी जल्दी में और टेंशन की वजह से सामने लगी हुई बार वायर उसे नजर नहीं आती और उसकी कार क्रैश हो जाती है जिस पर तीनों भाई उसे पकड़कर पुलिस स्टेशन के पास ही एक शॉप में ले आते हैं और वहां पर वो उसे एक ड्रम में बंद करके नीचे से आग लगा देते हैं। एंजेला को मॉस के चीखने की आवाजें आती हैं और वो उसे बचाने जाती है लेकिन जैसे ही वो उस दुकान तक पहुंचती है वहां पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। पीछे से मेनार्ड लीटा को लालच देता है। वो कहता है कि अगर वो उसे यहां से निकाल देगी तो वो उसे नहीं मारेगा लेकिन बदकिस्मती से लीटा उसकी बातों में आ ही जाती है और वो मेनार्ड को वहां से निकालती है लेकिन उसका बदला वो ये देता है कि वो उसकी दोनों आंखें ही निकाल लेता है। वो उसकी आंखें ही फोड़ देता है और वो चिल्लाती हुई बाहर आती है और वहीं पर एंजेला उसे देख लेती है और उसकी तरफ भागती है। और तभी मेनार्ड भी बाहर आ जाता है और उसे शूट करने ही वाला होता है। उससे पहले ही एंजेला उसकी शोल्डर पर शूट कर देती है। इसके बाद वो उन दोनों को पुलिस स्टेशन लेकर आती है और मेनार्ड को दोबारा से लॉक में बंद कर देती है। और फिर एंजेला खुद मदद लेने के लिए बाहर जाती है और बाहर उसे उसके हस्बैंड की कार नजर आती है। कार के पास जाकर वो देखती है कि उसके हस्बैंड को अंदर ही किसी ने बांधा हुआ है लेकिन उसे ये समझ नहीं आ रही थी कि ये एक ट्रैप है। उसके हस्बैंड के सर के ऊपर एक तेज धार वाला चाकू लगा हुआ था जो सीधा कार के दरवाजे के साथ अटैच था। वो जल्दी से जाकर दरवाजा खोल देती है और वो चाकू उसके हस्बैंड को बीच में से चीर देता है। और इतने में थ्री फिंगर पीछे से ट्रक लेकर आ जाता है और सीधा लाकर कार में मारता है। एंजेला बड़ी मुश्किल से अपनी जान तो बचा लेती है लेकिन फौरन थ्री फिंगर बाहर निकलता है और उसे इतना मारता है कि उसे मार मार कर बेहोश कर देता है। दूसरी तरफ मेनार्ड पूरे लाइफ के लिए लीटा को टॉर्चर करने की धमकी दे रहा होता है। उसकी बातें सुनकर लीटा काफी डर जाती है और वहां से निकल जाती है। जब एंजेला को होश आता है तो वो देखती है कि वो पुलिस स्टेशन में बंधी हुई है और वो तीनों भाई वहां पर पेट्रोल छिड़क रहे होते हैं। मेनार्ड एंजेला को कहता है कि उसके पास मरने के लिए दो चॉइस हैं। एक ये कि या तो वो जल के मर सकती है और या फिर
उसके फेस से एक शॉटगन अटैच्ड है जिसका ट्रिगर उसके पाँव में है और जैसे ही वो अपनी एड़ियां जमीन पर रखेगी उसका सर उड़ जाएगा। वो उसे एक दर्दनाक और एक आसान मौत चूज करने का कहता है। ये कहकर वो पूरे पुलिस स्टेशन में आग लगा कर वहाँ से चला जाता है और जैसे ही बाहर आकर वो ट्रक में बैठता है तब अंदर से उसे शॉटगन की आवाज आती है और वो समझ जाता है कि एंजेला ने दूसरे तरीके से मरने को चुना। लेटा चलते चलते एक रोड तक पहुंच जाती है और तभी उसे एक गाड़ी की आवाज आती है और वो उससे हेल्प मांगती है, लेकिन बदकिस्मती ये होती है कि वो मेनार्ड का ही ट्रक था। थ्री फिंगर नीचे उतरता है और वो लेटा को गाड़ी में धकेल देता है और अंदर मेनार्ड लेटा को वेलकम कहता है और वो सब उसे अपने साथ ले जाते हैं और यहीं पर मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको मूवी की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो काइंडली कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू।